हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइस्ताज क्लासेस। आज हम बात करेंगे किचन टूल्स के बारे में, यानी कि किचन में जो भी सामान यूज़ किए जाते हैं उन सामानों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ माचिस। माचिस को इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स। नेक्स्ट वन इज़ माचिस की तीली। माचिस की तीली को इंग्लिश में कहते हैं मैच स्टिक। नेक्स्ट वन इज़ गैस चूल्हा को इंग्लिश में कहते हैं गैस स्टोव। नेक्स्ट वन इज़ फूकनी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लो पाइप। नेक्स्ट वन इज़ मटका को इंग्लिश में कहते हैं पॉट। नेक्स्ट वन इज़ चाय की छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेनर। नेक्स्ट वन इज़ बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग पिन। नेक्स्ट वन इज़ ओखली या फिर खरल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्टर। नेक्स्ट वन इज़ चकला को इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग बोर्ड पेस्ट्री बोर्ड। नेक्स्ट वन इज़ फ्रिज को आप फ्रिज भी कह सकते हैं और इसको बोलेंगे रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट वन इज़ तवा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल। नेक्स्ट वन इज़ आटा छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर सिफ्टर। और यू कैन से सिव, इसको सीव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिव। नेक्स्ट वन इज़ पलटा मतलब जिससे हम पराठे या कुछ भी पलटते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्नर। और यू कैन से स्पैचुला, आप टर्नर भी कह सकते हैं स्पैचुला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ छोटी कटोरी को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल बोल। नेक्स्ट वन इज़ भगोना या फिर पतीला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेनलेस स्टील पॉट। नेक्स्ट वन इज़ कॉफ़ी बनाने की मशीन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉफ़ी मेकर। नेक्स्ट वन इज़ खाना परोसने के बर्तन, यानी कि जिसमें हम फूड को सर्व करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिश वेयर। नेक्स्ट वन इज़ प्याज काटने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं अनियन चॉपर या फिर ओनियन चॉपर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनियन चॉपर। नेक्स्ट वन इज़ नींबू का रस निकालने वाला, जिससे हम नींबू का रस निकालते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमन स्क्वीज़र। नेक्स्ट वन इज़ मथानी को इंग्लिश में बोलते हैं विस्क। नेक्स्ट वन इज़ आलू मसलने वाला, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पटेटो मैशर। इसको पोटैटो मैशर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पटेटो मैशर। नेक्स्ट वन इज़ जूना, जिससे बर्तन मांजते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिश स्क्रबर। नेक्स्ट वन इज़ सूप लेडल, जिससे हम सूप को निकालते हैं, इसको इंग्लिश में भी सूप लेडल बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ खाना पकाने के बर्तन, जिन बर्तनों में हम खाना पकाते हैं उनको बोलते हैं कुकवेयर। नेक्स्ट वन इज़ थाली को इंग्लिश में बोलेंगे प्लेट। नेक्स्ट वन इज़ गिलास को इंग्लिश में बोलेंगे ग्लास। नेक्स्ट वन इज़ प्याला को इंग्लिश में बोलेंगे कप। नेक्स्ट वन इज़ कटोरा को इंग्लिश में बोलेंगे बोल। नेक्स्ट वन इज़ काटने के यंत्र को इंग्लिश में बोलेंगे कटलरी। नेक्स्ट वन इज़ मग को इंग्लिश में मग ही कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ केतली को इंग्लिश में बोलेंगे कैटल। नेक्स्ट वन इज़ चम्मच को इंग्लिश में बोलेंगे स्पून। नेक्स्ट वन इज़ कांटा चम्मच को इंग्लिश में बोलेंगे फोर्क स्पून।
नेक्स्ट वन इज चाकू, चाकू को इंग्लिश में बोलेंगे नाइफ, नाइफ इसमें के साइलेंट है। नेक्स्ट वन इज पकवान, पकवान को इंग्लिश में बोलेंगे डिश, डिश। नेक्स्ट वन इज बर्तन, बर्तन को बोलेंगे वेजल, पॉट, यूटेंसिल्स, किचन वेयर, ये सभी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कढ़ाई, कढ़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं वोक, वोक। नेक्स्ट वन इज करछुल, करछुल को इंग्लिश में बोलते हैं लेडल, लेडल। नेक्स्ट वन इज चायदानी, चायदानी को इंग्लिश में बोलेंगे टी पॉट, टी पॉट। नेक्स्ट वन इज बर्तन धोने वाला साबुन, जिस साबुन से हम बर्तन धोते हैं उसको बोलेंगे डिश सोप, डिश सोप। डिश का मतलब बर्तन, सोप का मतलब साबुन, तो जिस साबुन से हम बर्तन धुलेंगे उसको बोलेंगे डिश सोप। नेक्स्ट वन इज सुराही, सुराही को इंग्लिश में बोलेंगे जग और वाटर जग, जग या फिर वाटर जग। नेक्स्ट वन इज तश्तरी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रे या फिर सॉसर। नेक्स्ट वन इज लकड़ी का चम्मच, लकड़ी के चम्मच को इंग्लिश में बोलेंगे वुडन स्पैचुला, वुडन स्पैचुला। नेक्स्ट वन इज बड़ा चम्मच, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेबल स्पून, टेबल स्पून। नेक्स्ट वन इज छोटे चम्मच, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टी स्पून, टी स्पून। नेक्स्ट वन इज कीप, कीप को इंग्लिश में कहते हैं फनेल, फनेल। नेक्स्ट वन इज तंदूर या फिर भट्टी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अवन, ओवन नहीं बोलेंगे, इसको अवन बोलेंगे, और आप इसको हिंदी में भी अवन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्मस, थर्मस को इंग्लिश में कहते हैं थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। नेक्स्ट वन इज कद्दूकस, कद्दूकस को इंग्लिश में बोलेंगे हैंड हेल्ड ग्रेटर, हैंड हेल्ड ग्रेटर। नेक्स्ट वन इज नमकदानी, जिसमें नमक रखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्ट शेकर, सॉल्ट शेकर या फिर सेलर, सेलर। नेक्स्ट वन इज छीलने वाला, जिससे हम सब्जियां छीलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पीलर, पीलर। नेक्स्ट वन इज चिमटा, चिमटा को इंग्लिश में बोलेंगे टोंग्स, टोंग्स। नेक्स्ट वन इज प्लास, प्लास को इंग्लिश में बोलते हैं प्लायर्स, प्लायर्स। नेक्स्ट वन इज एप्रन, एप्रन वो होता है जैसे कि शेफ होते हैं तो जब वो खाना पकाते हैं तो कुछ कोई कपड़ा ऊपर पहनते हैं जिससे कि उनके कपड़ों में दाग धब्बे ना लगे, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एप्रन, एप्रन। नेक्स्ट वन इज डोंगा, डोंगा को इंग्लिश में बोलते हैं सर्विंग बोल, सर्विंग बोल। नेक्स्ट वन इज लोटा, लोटा को इंग्लिश में बोलते हैं राउंड वाटर पॉट, राउंड वाटर पॉट। नेक्स्ट वन इज बर्फ की ट्रे, बर्फ की ट्रे को इंग्लिश में बोलते हैं आइस क्यूब ट्रे, आइस क्यूब ट्रे। नेक्स्ट वन इज झरनी या फिर पौना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कीमर, स्कीमर। नेक्स्ट वन इज चकला बेलन, चकला बेलन को बोलते हैं रोलिंग बोर्ड, रोलिंग बोर्ड। नेक्स्ट वन इज स्प्लैटर स्क्रीन, स्प्लैटर स्क्रीन वो होती है जैसे कि हमने दूध बॉयल किया तो उसके ऊपर एक राउंड शेप की हम जाली बंद कर देते हैं ताकि ऊपर से कोई मच्छर या मक्खी उसमें गिर ना जाए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लैटर स्क्रीन। हिंदी में भी स्प्लैटर स्क्रीन बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं उसको स्प्लैटर स्क्रीन। तो आज के वीडियो में इतने ही वर्ड्स थे, आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आए होंगे, और हमको जितना समझ में आता है उतना ही हम बताते हैं, और अगर मेरी वीडियो में कोई भी गलती हो जाती है, कहीं पर गलत बता देते हैं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।